फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम बोय वर्मा, तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दुनिया की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट करेंसी कौन सी है? तो यह है ईरानी रियाल, एंड 555 ईरानी रियाल मिलके क्या है, एक रुपया बनाते हैं। एंड दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है कुवैती दिनार, एंड एक कुवैती दिनार इक्वल होता है 246 रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ही भारत ने गलवान नदी पर 60 मीटर का ब्रिज बनाया, तो यह नदी किस देश की सीमा के साथ लगती है? तो यह नदी लगती है चीन की सीमा के साथ, और चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग है, एंड चीन की राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है, यानी कि साउंड सबसे फास्ट स्पीड में किसमें ट्रेवल करता है? तो देखिए, आपको पता है ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह माध्यम जितना ज़्यादा संघन होगा उतनी ध्वनि की क्या गति होगी। तो सबसे संघन होता है स्टील, इसलिए स्टील में सबसे ज़्यादा गति होती है ध्वनि की। और दूसरे नंबर पर है पानी, और तीसरे नंबर पे हवा। और एज निर्वात का कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि कभी ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार हैं, और इनके नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है बूंदी, और जहां पे क्या पुराने मंदिर है, इसीलिए इसे क्या छोटी काशी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? तो जून 2020 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 डे विजिट के लिए गए हैं, तो यह कौन सी कंट्री में गए हैं? तो यह गए हैं रूस में, और रूस में ये गए हैं रूस की राजधानी मॉस्को में। और रूस में जाने के इनके दो मकसद थे, एक तो 24 जून को रूस का विजय दिवस मनाया गया, और दूसरा इनका मकसद था कि हमने S-400 नामक एंटी गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर दिया रूस को, जिसका ये जायजा लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद असल विरंजक, यानी कि द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद असल विरंजक है क्लोरीन, एंड ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, यानी कि कौन सी स्टेट में मांजुली रिवर आइलैंड लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम में, और मांजुली नदी द्वीप नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, और इस द्वीप को बनाती है ब्रह्मपुत्रा नदी, एंड इस द्वीप का 1/3 हिस्सा तो ब्रह्मपुत्रा में आई बाढ़ के कारण बह गया, बट फिर भी इसका क्षेत्र है 880 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को रिड्यूस करने का फैसला किया है, तो यह कितने % रिड्यूस करेंगे? तो यह रिड्यूस करेंगे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, यानी कि व्हाइट फास्फोरस को कहां पे स्टोर किया जाता है? तो देखिए, सफेद फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही उससे रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे हमेशा जल में संग्रहित किया जाता है, और जल में यह अनसोलेबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है, और इस सफेद फास्फोरस का प्रयोग जहर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को राजस्थान का माउंटेन शहर कहा जाता है, यानी कि माउंटेन सिटी ऑफ राजस्थान किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है डूंगरपुर को, जो कि अरावली की निचली पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है, यानी कि कौन सा ऑर्गन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? तो इंसुलिन का उत्पादन करता है अग्नाशय, यानी कि पैनक्रीज, और यह इंसुलिन हमारी बॉडी के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
और जिन व्यक्तियों को डायबिटीज हो जाती है उनमें यह इंसुलिन का उत्पादन होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए उनकी बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, यानी कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी किस अमेंडमेंट में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 69वें संवैधानिक संशोधन में। एंड इसमें जो 86वां संवैधानिक संशोधन है, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना अनिवार्य कर दिया था। एंड इसमें जो 42वां संशोधन है, इसे छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में महाराष्ट्र पुलिस के एक बयान के अनुसार किस देश के हैकर्स ने 5 दिनों में भारत के आईटी बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया? तो इस साइबर हमले का प्रयास किया चीनी हैकर्स ने। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।